नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम बोर्ड पर। मैं राहुल अग्निहोत्री, हम स्वागत करते हैं आपका सभी का और हम हैं कलम से क्रांति। तो बच्चों शुरुआत करते हैं अपनी अगली बात पर। बच्चों पिछली क्लास में हमने 125 क्वेश्चंस तक किए थे, 125। मैं उसके बीच के क्वेश्चंस भी आपको कराऊं क्योंकि उसमें पैसिव वॉइस नरेशन है, वो तो आप बहुत हद तक कर ही लेते हैं, तो वो भी कराऊंगा आपको। लेकिन कुछ ग्रामेटिकल वर्ड सेंटेंसेस हैं 106 से 125 तक, उनको करा देता हूं कल आपको, सॉरी आज आपको, और कल जो है वो जो चीज़ें बची फिर उसके बाद हम वोकैब वगैरह के सेशन पे उसके बाद हम आ जाएंगे, ठीक है। नरेशन वगैरह है वो जनरली सिंपल होते हैं, वो आप कर लेते हैं ज़्यादातर। यहाँ थोड़ा सा ग्रामेटिकल सेक्शन में आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ मिलता है, इसलिए हम इन्हीं को एक बार कर लेते हैं फिर उसके बाद हम करेंगे। इन द फॉलोइंग questions, a part of the sentence pointed out in pointed in bold below are given alternatives to the bold part 1, 2, 3 which may improve the sentence. Choose correct alternative. In case no improvement is needed, your answer will be what? No correction is required. ऐसा कुछ रखा जाएगा। तो शुरू करते हैं बेटा, कुछ questions हमारे पास हैं, simple simple questions हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगले आने वाले आधे घंटे में 40 मिनट में सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, देखते हैं। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल। अच्छा बेटा, आज की जो क्लास होगी वो रक्षाबंधन है आज आपका, इसलिए जो क्लास होगी ना वो आपकी थोड़ी सी शॉर्ट रखेंगे, बड़ी नहीं रखेंगे। 30-40 मिनट, 50 मिनट जो भी क्लास अपनी लगेगी, 25 क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतना ही हम टाइम लगाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल एट आर हॉलीडे। तो हम अपने हॉलीडे पर बहुत सारे लोगों से मिले। कहने का सेंटेंस ये है, हम अपने हॉलीडे पर बहुत सारे लोगों से मिले। अब यहाँ पर दो तो बिल्कुल सिरे से खारिज हो जाते हैं, एट इस्तेमाल हो नहीं सकता। एट इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एट जब भी होता ना, ये फिक्स्ड प्लेस के लिए होता है, फिक्स्ड प्लेस या टाइम के लिए। तो एट कोई हॉलिडे, कोई फिक्स टाइमिंग या प्लेस तो है नहीं, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। इन क्यों नहीं हो सकता? क्यों? इनसाइड हम नहीं है। इनसाइड, इन से किसका सेंस निकलता है? इनसाइड का सेंस निकलता है, तो ये भी कोई कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहा। तो ये दोनों आंसर्स में नहीं हो सकते थे, ठीक है। फिर हमारे पास आंसर जो दिख रहा है वो क्या होना चाहिए, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। अब हमारा आंसर क्या बन सकता है देखते हैं। हमारे पास ये दोनों बचे हैं, ऑन और ड्यूरिंग, दोनों ही बिल्कुल सही लग रहे हैं कि ड्यूरिंग भी हो सकता है और ऑन भी हो सकता है। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आर हॉलीडे, ऑन आर हॉलीडे और ड्यूरिंग आर हॉलीडे, दोनों हो सकता है। अब हॉलीडे का मतलब क्या होता है? कोई दिन जिसमें आपने क्या किया है, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब हॉलीडे पर आप बहुत सारे लोगों से मिलने होंगे तो थोड़ा थोड़ा टाइम करके मिले होंगे, मिले होंगे कि नहीं? तो इस कंडीशन में आपको क्या आंसर देना चाहिए? ड्यूरिंग। लेकिन ड्यूरिंग आंसर बनेगा नहीं, ठीक है। अगर हॉलीडे के दौरान यहां पर दिवाली होती तो हम ड्यूरिंग लगा सकते थे, ठीक। लेकिन अभी हम ड्यूरिंग ही लगाएंगे। ड्यूरिंग एक तब लगाया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान, दिवाली कई दिनों की होती तो वहां ड्यूरिंग का सेंस बनता है, लेकिन यहां पर नहीं बनता ड्यूरिंग का सेंस। हमेशा हम क्या करेंगे, मैं तो आपको दिवाली के लिए भी नहीं बोलूंगा ऑन के ड्यूरिंग के साथ, हम उस कंडीशन में हम ड्यूरिंग लगाते हैं जहां पर एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड की बात हो रही होती है, एक टाइम पीरियड कंप्लीट। जैसे एक सेंटेंस देखिए, ही रिमेन सीटेड, वह बैठा रहा, तो पूरे पीरियड के दौरान की बात हुई। ही रिमेन सीटेड इन मीटिंग। तो मेरे बच्चों ये इन नहीं आ सकता, यहां पर यहां ऑन नहीं आ सकता, यहां एट नहीं आ सकता, यहां ड्यूरिंग ही लगाना पड़ेगा। यहां पर आपको ड्यूरिंग ही लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा ड्यूरिंग? उसका रीजन क्या है कि पूरी मीटिंग शुरू से लेकर एंड तक की बात हो गई। क्या हॉलीडे शुरू से लेकर एंड तक वो मिलता रहा लोगों से? नहीं, वो हॉलीडे पर मिला लोगों से, बहुत सारे लोगों से, इसलिए ड्यूरिंग भी आंसर नहीं। आई सजेस्ट टू यू यूजिंग वॉट? ऑन, ना कि वॉट? ड्यूरिंग, ठीक। अब एक और बात समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इसके लिए। एक और बात आप जान ले, ऑन भी यूज होता है और एट भी यूज होता है। कैसे? समझना। मैंने कहा आई विल मीट यू, आई विल मीट यू दिवाली। सेंटेंस क्या है? आई विल मीट यू दिवाली। अब ध्यान से देखो, आई विल मीट यू दिवाली में क्या कहना चाह रहा है? अगर वो ऑन लगाता है तो अलग बात होगी, और अगर वो एट लगाता है तो अलग बात होगी। अगर वो यहां पर एट लगा दे तो दोनों में
अलग कॉन्सेप्ट निकल आएगा। तो अब समझने की कोशिश करो एट और ऑन की कंडीशन क्या है। दिवाली का पीरियड होता है, जैसे मैंने कहा दिवाली, तो दिवाली का पीरियड होता है कब का, एक से लेके तीन दिनों का, है ना, ज्यादा भी होता है, चार दिन भी हो जाते हैं, धनतेरस भी होती है, दिवाली भी होती है, छोटी दिवाली भी होती है, भाई दूज भी होती है, अरन चौदस, ऐसा कुछ त्यौहार हो, चार पांच दिन का टाइम लगता है पूरा दिवाली का पीरियड, एक बहुत फंक्शनल टाइम होता है और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है और जिस दिन लोग बहुत इंजॉय करते हैं। मैंने सुना है कई लोगों को कि वो कहते हैं पटाखे नहीं चलाने चाहिए और पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, इससे इन्वायरमेंट दूषित होता है, और वही थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, पूरी गाड़ी लेकर निकलते हैं, धुआं करते हुए निकल जाते हैं, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर देनी चाहिए, फिर उसके बाद घर में घुसेंगे तो एसी भी चलाते हैं। तो ये सब दकियानूसी बातें हैं। त्योहार का मतलब होता ओकेजन, और ओकेजन का मतलब क्या होता बेटा, कि उसको एंजॉय करना, और एंजॉय करने के लिए अगर आप पटाखे फोड़ते हैं तो मुझे कोई गलत नजर नहीं आता। अभी ये मुस्लिम धर्म की अभी ईद आ रही, उनको बोलो नहीं आप बकरा मत काटिए, तो क्या उस त्योहार का कोई मतलब बचा? वो जितनी भी चीजें हैं वो चीजें आस्था का विषय होती है मेरे बच्चों। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है कि आप बकरीद पर मना करिए, बकरा मत काटिए, आप दिवाली पर मना करिए, आप पटाखे मत फोड़िए, ये सब चीज़ें गलत है। और पूरी साल खूब आप एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलाते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिवाली पर ही पटाखे फोड़ोगे सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है। तो पूरे साल के सब गाड़ी वाड़ी बंद कर दो, नहीं वो नहीं हो सकता बंद, क्यों फैक्ट्री बंद कर दो, नहीं हो सकता बंद। अभी लॉकडाउन में देखो कितना अच्छा वातावरण हो गया, तो फैक्ट्री वैक्ट्री दीवा कारें वारें सब बंद थी, बढ़िया साफ नजर आता था, अब दिल्ली फिर से गंदी हो जाएगी कुछ दिनों में। तो बच्चों ये सब धकियानूसी बातें लगती है, मुझे कुछ नहीं होता, आप इंजॉय करिए अपनी लाइफ को, दिवाली आए दिवाली मनाइए, ईद आए बकरीद आए सब मनाइए बढ़िया से, है ना, क्योंकि वो आपकी आस्था का विषय है, कोई उस पर चोट नहीं पहुंचा सकता। जो चोट करते हैं वो लोग दकियानूसी लोग होते हैं, मुझे उन लोगों पर गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, उन्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए, पर लोग करते हैं। भारत में तो कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए तो बोलते हैं लोग। अब आप देखिए क्रिश्चियनिटी में ईद, क्रिश्चियनिटी में 25 लोग मोमबत्ती, तो वो भी गलत है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन तो उससे भी जाता है, वो भी बंद कर दो। नहीं साहब, वो उनकी आस्था का विषय है, आस्था के विषय पर आप चोट नहीं कर सकते। अगर मंदिर जाते हैं हम, तो मंदिर जाते हैं हम ईश्वर के सामने सर झुकाते हैं, या मस्जिद में हम सजदा करते हैं, लोग कहेंगे इसका कोई तार्किक विश्लेषण तो है नहीं, इसका कोई एनालिसिस, इसका कोई लॉजिकल एनालिसिस तो कर नहीं पा रहे हम, तो ये गलत चीज़ है। क्या आपको अल्लाह दिखाई दे रहा है, क्या आपको राम भगवान दिखाई दे रहे? अरे साहब हमारी आस्था है वहां पर, यहाँ राम भगवान के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर अल्लाह के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हमारी आस्था है। हमारी आस्था उस पत्थर में है, उस मूर्ति में है, उस चादर में है जो हम उसके ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है, उस सजदे में जो हम झुकाते हैं उसके सामने सर, तो ये हमारी आस्था है, और आस्था पर कभी भी प्रश्न चिन्ह तर्क के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। और जिस दिन आस्था पर तर्क के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगने लगेगा, उस दिन आधारभूत संरचनाएं खत्म हो जाएंगी। समझ गए मेरे बच्चों? आ गया तेरनी बात पर। तो दिवाली की हम बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा भटक जाता हूँ जब इस तरह के मुद्दे आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन मुद्दों पर हमें अपनी बेवाक राय रखनी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चों याद रखना, बेवाक राय वहीं रखना जहाँ पर सुनने वाले हों, खतरनाक स्थिति बन सकती है, इसलिए ऐसा करना भी मत, हमेशा मौका देख कर ही बात करना। तो दिवाली एक से तीन दिन की होती है, ठीक है, कम से कम मान लेते हैं। अब उसने कहा आई विल मीट यू ऑन दिवाली, तो मतलब है दिवाली के पहले एक दिन या हो सकता है या बाद में हो सकता है, ठीक दिवाली के दिन किसी भी दिन मिल सकता है, तो तीन दिनों में वो किसी भी दिन आपसे मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो ये लिख दे एट दिवाली, तो इसका मतलब समझते हो क्या, दिवाली के दिन ही वो मिलेगा, दिवाली के वो दिन ही आपसे मिलेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? वो दिवाली के दिन ही बच्चों आपसे मिलेगा, मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी निश्चित तौर पर। तो एट और ऑन में फर्क है, और ड्यूरिंग दिवाली तो पूरी शुरू से लेकर एंड तक मिलता रहा दिवाली को, तो ये चीज अलग अलग है, समझने की कोशिश करिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट रिमाइंड मी टू पोस्ट द लेटर, तुम मुझे याद दिलाओ लेटर को पोस्ट करना। अब यहां पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एक तो नो इंप्रूवमेंट का है, ये तो आपको पहले से ही पता है कि नो इंप्रूवमेंट में तो अगर ऑप्शन बनेगा तो करेंगे। हैव रिमेंबर्ड मी, रिमाइंड मी, और यहां पर रिमेंबर मी। अब देखो आंसर्स क्या हो सकते हैं, चलो टैली करते हैं एक बार, आंसर्स क्या बन सकते हैं अपने देखते हैं। अब लिखा है रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, याद करना, याद करना, ना कि याद कराना। और रिमाइंड का मतलब होता है किसी को कुछ याद
कराना कि भैया याद रखना ये काम तुमको करना है। जैसे मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि भैया अगले वीडियो के बारे में तैयारी करके आना, तो आपको रिमाइंड हो जाएगा भैया ऐसा करना है। तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा। रिमेंबर मी तो ये बन ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं बन रहा। रिमेंबर याद थोड़ी करना, बल्कि हमें किसी को याद कराना है। और हैव रिमाइंडेड हो सकता था, चलो मान लेते, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडेड होना चाहिए था, तो वो तो है नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यू मस्ट रिमाइंड मी टू पोस्ट द लेटर नो इम्प्रूवमेंट के साथ। तो मुझे याद कराओगे तो मुझे याद कराना है कि लेटर को कब पोस्ट करना है। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़े। सेंटेंस सिंपल था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था, आसानी से होने वाला सेंटेंस था। ठीक है, अगला सेंटेंस। पीपल हुम आर आउटडोर्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स टू अवॉइड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टू मच सन। ठीक, बताइए क्या आंसर हो सकता है। एक सेकेंड के लिए आप इसके लिए देखें, फिर हम इसका डिस्कशन करना शुरू करेंगे। बताएं जल्दी से मुझे क्या आंसर हो सकता है। मुश्किल नहीं है, आसानी से आप आंसर कर सकते हैं, बस थिंक आउट कर लीजिए। चलिए शुरू करें। पीपल हुम बिल्कुल सिंपल है, हु और हुम के बारे में ध्यान रखो। ज्यादा कुछ अभी हम टाइम खराब नहीं करेंगे हु और हुम पर, सीधी सी बात आते हैं। अगर वर्ब दी गई है और उसके पहले आपको चॉइस करना पड़े तो हु और हुम ठीक इसके पहले रखे हों, तो हु और हुम, तो कभी भी हुम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, हु का। सिंपल सी बात है, आर आउटडोर्स लिखा है तो हुम नहीं आ सकता, यहां पर हु लगाना है और पीपल के बाद हु ही रखना। दैट कभी कभी दैट भी दिखाई देता है, तो दैट नहीं आ सकता यहां पे, दैट आ सकता है लेकिन यहां नहीं आ सकता है। पीपल हमेशा कंसीडर करता है अपने आगे हु को। पीपल हु आर आउटडोर्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ टू अवॉइड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टू मच सन। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को मैं समझा देता हूं आपको, क्योंकि बिना समझाए मेरा मन मानेगा नहीं। तो आप समझ लीजिए इसे क्या कंडीशन होती है। बहुत सिंपल सा सेंटेंस रख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। I know the girl dash everybody treats as his daughter। ऐसी लड़की को जानते हो, सभी अपनी लड़की की तरह ट्रीट करते हैं। एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, द गर्ल डैश नोज यू इज माय सिस्टर। तीसरा सेंटेंस देखें, द गर्ल डैश यू नो इज माय सिस्टर। अब देखो ध्यान से, करना इतना काम है सिर्फ, क्या हु और हुम में से चॉइस करनी है यहां पर, सभी में हु या हु में से चॉइस रखनी है। अगर आपको बात समझ में आ गई तो कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो। ये एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये हम प्रोनाउन में जरूर पढ़ेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो समझने की कोशिश करो, हु भरना है वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में या हुम रखना है। आपको सिर्फ इतना काम करना है, बस इतना, हर जितनी भी वर्ब दी गई सबके लिए एक सब्जेक्ट की चॉइस करनी है, सबके लिए सब्जेक्ट की चॉइस करनी है। अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, अगर आपको सब वर्ब्स के लिए सब्जेक्ट मिल जाता है और फिर भी यहां पर फिल इन द ब्लैंक रह जाए, तो वहां पर आपको लगा देना हुम। और अगर कहीं भी कोई वर्ब रह जाए बिना सब्जेक्ट के, तो उसके लिए सब्जेक्ट के तौर पर आ जाएगा हु। क्या बोला मैंने, सभी वर्ब्स को तलाश करिए, सभी वर्ब्स के साथ अगर सब्जेक्ट मिल रहे हैं उनके तो क्या आएगा हुम, और कोई वर्ब रह जाती है बिना सब्जेक्ट के तो उसके लिए क्या आएगा हु। चलो ट्राई करते हैं।
ठीक। देखिए नो के लिए क्या हो गया आई, ट्रीट्स के लिए क्या हो गया एवरीबडी, ठीक है। तो दोनों वर्ब्स के सब्जेक्ट मिल गए, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, होम। इस गर्ल को सब्जेक्ट मत बना देना कभी, ये तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है साहब, ये गलती नहीं कर देना कभी भी, ये तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। किस वर्ब का, नो का। ये सब्जेक्ट का काम कतई नहीं करेगा। आगे देखो, द गर्ल नोज यू इज माई सिस्टर। अब देखो ये नोज किसके लिए आया है, इज किसके लिए आया, तो ये इज तो आ गया गर्ल के लिए, द गर्ल इज माई सिस्टर, और नोज किसके लिए आया, नहीं है भैया कोई आंसर आपके पास, नोज के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो नोज के लिए सब्जेक्ट दीजिए, हु नोज यू, द गर्ल हु नोज यू इज माई सिस्टर। तो बात क्लियर हुई। तो इसी तरह से द गर्ल यू नो इज माई सिस्टर। अब देख लो यहां पर नो किसके लिए आ गया, गर्ल के लिए, इसके यू के लिए आ गया, इस किसके लिए आ गया, गर्ल के लिए। दोनों वर्ब को सब्जेक्ट मिल गए, तो कुछ बचा नहीं, तो अब ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट का काम करने लगा। तो बात क्लियर हो गई। तो जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चॉइस करना पड़ेगा, यही हमें ध्यान रखना है कि जहां जहां सभी वर्ब को सब्जेक्ट मिल गए वहां हुम ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू लगा देना, और अगर किसी वर्ब को सब्जेक्ट नहीं मिल पाया तो वहां हु लगा देना। बस इतना समझना है मेरे बच्चों, मुश्किल नहीं, आसान सी चीज है। तो यह आंसर आपका क्या बनना था, यह आंसर आपका आना था हु, क्योंकि यहां आर लगा है ना, इसको सब्जेक्ट चाहिए तुरंत अपने लिए, तो हुम नहीं, हु का सेंस यहां रखा जाएगा। अगली बात पर आते हैं। सिंस सेटिंग अप द क्लब हैज प्रोड्यूस सो मैनी प्लेयर्स, बताओ। टाइम दे रहा हूं आपको 10 सेकंड का सोचने के लिए, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है यहां पर। चलिए आगे बढ़े। अब देखो सिंस सेटिंग अप, सेटिंग अप का मतलब क्या होता है, जब से शुरुआत हुई है ना, सिंस सेटिंग अप द क्लब हैज प्रोड्यूस सो मेनी प्लेयर्स, ये आंसर बन सकता है आपका। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग। बिगिनिंग ठीक है। सिंस हैव बीन सेट अप, सिंस हैव बीन जब से सेटअप हुआ है, बीइंग सेटअप, तो बीइंग सेटअप और सेटिंग अप और हैव बीन सेटअप या इट्स इंसेप्शन, सब में हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो इंसेप्शन, हैव बीन सेटअप और बीइंग सेटअप में क्या फर्क होता है, हैव बीन सेटअप, एक मिनट बेटा, कभी कभी कुछ लोग लगातार जब कॉल करते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इन लोगों को भी, अच्छा इनकी अपनी मजबूरी होती है, एक मैसेज डाल दूं इनको कि भैया, ठीक चलिए। तो बात समझ पा रहे हैं मेरी, कि इंसेप्शन, हैव बीन सेटअप या बीइंग सेटअप में क्या फर्क होगा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, बीइंग सेटअप, जैसे मैंने कहा बीइंग अ नाइस पर्सन, तो अच्छे इंसान होने के नाते, तो सेटअप होने के नाते, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, सेटअप होने पर कोई सेंस नहीं आया। और सिंस सेटिंग अप, तो जब से सेटिंग लगातार होती चली आ रही, सेटिंग लगातार तो होती चली नहीं आ रही, वो तो हो ही थी, शुरुआत हुई तो पास्ट में हुई थी, तो ये सेंस भी आपका गड़बड़ हो गया। अब सिंस हैव बीन सेट अप, सिंस के बाद जो सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये बात बहुत पहले घटी होगी, तो ये भी नहीं आंसर होगा। बचेगा क्या, सिंस इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन का इस्तेमाल तब होता है जब किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करते हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो क्लब है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी शुरुआत हुई है, तो उसकी शुरुआत के लिए इंसेप्शन सबसे बेस्ट वर्ड है, ठीक है। तो सिंस इट्स इंसेप्शन, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू था, मुश्किल नहीं था। आगे चलते अपनी बात पर, अगला क्वेश्चन।
The opposition members in the Legislative Assembly have decided to oppose any bills put forward. कोई भी बिल आगे लाया जाएगा किसके द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा, तो हम क्या करेंगे उसका विद्रोह, तो हमें विरोध तो करना ही करना है, यही अपोजिशन का काम होता, तो कुछ गलत नहीं। अपोजिशन हर चीज में अड़ंगा डालती है, सरकार के द्वारा किए गए हर काम में उसे दिक्कत है, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, इसी को तो अपोजिशन कहते हैं। चलो बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर बनना चाहिए, इजीली बहुत डिसाइडेड करिए क्या आंसर हो सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से आप उसे कर पाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए, बताइए। द ऑपोजिशन मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हैव डिसाइडेड, अब देखो क्या आंसर होगा। पहले तो देखो रेंडर के बारे में जान लेते हैं, रेंडर का मतलब तो टू कॉज, किसी चीज के होने का कारण होना, जैसे अर्थक्वेक से बहुत सारे लोग मर गए, द अर्थक्वेक रेंडर्ड मैनी डेथ्स, तो रेंडर्ड का मतलब अर्थक्वेक का कारण रहा, टू कॉज। कीप इन बराबर बने रहना, और ऑफर का मतलब किसी को ऑफर करना, और पुट फॉरवर्ड का मतलब तो आपको पता ही है, पुट फॉरवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, हैव डिसाइडेड अपोज एनी बिल्स पुट फुट फॉरवर्ड, तो इसका मतलब होगा टू ब्रिंग का सेंस, टू ब्रिंग आउट, टू ब्रिंग, ठीक, कुछ भी लाना उसको हम विरोध करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिपार्टमेंट हैज बीन रनिंग प्रोग्राम फॉर द पास्ट टू इयर्स, बताइए आंसर क्या आंसर हो सकता है, the department has been running program for the past 2 years, पिछले 2 साल से वैसा करता चला रहा है, बड़े इन सिंपल तरीके से बताइए, बहुत मुश्किल नहीं है, आपके आंसर्स पर ही सब कुछ डिपेंड होता है, जैसे मैं समझाता रहूं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप उन क्वेश्चन को खुद से करते हैं तो दैट मेक सम सेंस, और 100% आप इसे कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको बताई इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि एक बार आप इसे ज़रूर बताएं मुझे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, ज़रूर से बताएं इसका आंसर मुझे। चलिए शुरू करें, अब देखो पास्ट टू ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम की बात तो हो ही रही है, तो सिंपल सा बात है, फ्रॉम तो आपको लेना ही नहीं है, सिंस की कोई जरूरत है नहीं, द पास्ट टू ईयर्स अकेले लिख नहीं सकते क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, तो आपको फॉर लगाना ही पड़ेगा, सिंपल आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बहुत आसान सी बात है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़े अपनी बात पर, आगे चल के देख लेते हैं अगला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। शी पेड क्लोज अटेंशन टू द मैन सिटिंग बिसाइड सर, उसके बगल में बैठे हुए आदमी को उसने बहुत ध्यान से देखा या ध्यान रखा उसका कि क्या गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कि बिसाइड एक प्रपोजिशन होती है, बिसाइड्स भी एक प्रपोजिशन होती है। चलो देखें अब इसके बारे में गौर से, तो बिसाइड ऑफ तो वैसे ही हट गया, ये बिसाइड टू हट गया, ये इन तो वैसे इस्तेमाल में नहीं है, अब बिसाइड और बिसाइड्स में होता है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है कि अलावा, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में, यानी कि बाय द साइड ऑफ, बगल में, इंग्लिश में कहेंगे इसको क्या, बाय द साइड ऑफ, और इसको क्या कहेंगे के अलावा, ठीक है, इन एडिशन टू, बात क्लियर। तो इस सेंटेंस में जो उसके बगल में आदमी बैठा था या उसके अलावा जो आदमी बैठा था, किसके उसके बगल में जो उसके अलावा आदमी बैठा था, सेंस नहीं बना, बल्कि उसके बगल में जो आदमी बैठा था, जो बगल में होगा उसी पर तो ज्यादा क्लोज अटेंशन जाएगी ना कि क्या कर रही है, इसलिए आंसर जो था वो अपने को क्या करना था, आंसर करना था अपने को बिसाइड, क्या करना था आंसर, बिसाइड, ये आंसर होता आपका, बात क्लियर, आगे चले अपनी बात पर। चलो अगली बात पर आते हैं, अब ध्यान से समझो अगले पॉइंट ऑफ व्यू को। आज बच्चों आपका रक्षाबंधन है, एंजॉय कर रहे होंगे आप, तो आज आपको ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा, आज कुछ क्वेश्चंस पर ही बात करेंगे, अभी
कुछ क्वेश्चंस और बचे उनको कर लेते हैं। आई शैल सी हिम ओनली इफ ही अग्रीड टू बियर द कॉस्ट। मैं उससे मिल लूंगा, सी का मतलब मिलने से, मैं उससे मिल लूंगा ओनली इफ, यदि ही अग्री टू बियर द कॉस्ट, अगर वो कॉस्ट झेल लेगा, यानी कि वो ये कॉस्ट यूज कर लेगा या वो ये कॉस्ट मान लेगा, तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं उससे मिल लूंगा। सिंपल सा सेंटेंस बताइए क्या हो सकता आंसर, ये बार सोच कर बताइए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस में शर्त आ गई है और शब्द को जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। मैं उससे मिलूंगा, अगर वो अग्री होता है तो माइट अग्री का तो सेंस ही नहीं होता है क्योंकि तो शर्त है। हैड अग्रीड पास की बात हो रही, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा, अग्रीज। तो अग्रीड हटाकर आंसर क्या कर देना है, अग्रीज। बात सिंपल सी है, इफ ही अग्रीज टू बियर द कॉस्ट। ओनली होप, ओनली इफ जो है किसका सेंस दे रहा है, होप का सेंस दे रहा है। अगला क्वेश्चन, आई कैन एक्सेप्ट एनी थिंग देन डिसऑनेस्टी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ ऑनेस्टी के सिवाय। ठीक है, आंसर बताइए क्या आंसर होना चाहिए। आई कैन एक्सेप्ट एनी थिंग देन ऑनेस्टी, बताओ आंसर। आंसर आसान है, आप दे सकते हैं इसके बारे में आंसर, बताइए। I can accept anything than honesty, dishonesty. मैं dishonesty यानी कि बेईमानी के अलावा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो अब देखो इस सेंटेंस में, देखो I can accept anything, anything के अंदर तो हम dishonesty को मानते हैं, तो जब सिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन होता है तो हम anything का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, हम anything या इन सब के साथ any other लगा कर इस्तेमाल करते, तो ये क्या हो जाएगा, any other thing than honesty। मैं कोई भी और चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ dishonesty के अलावा, तो आंसर क्या देंगे, any other thing। अब देखो इसको और तरीके से समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा ऐसे देखो रोहित रोहित इज बेटर देन एनी प्लेयर, तो गलत हो गया ये। ठीक है, रोहित इज बेटर देन एनी प्लेयर नहीं लिख सकते क्योंकि रोहित ही प्लेयर हो, यहां भी प्लेयर है, तो लिखना पड़ेगा एनी अदर प्लेयर। ठीक है, क्योंकि ग्रुप टू ग्रुप एक जैसे लोगों के पीछे कंपैरिजन है। अगर ये कंपैरिजन ऐसे हो जाए कि किसी से भी हो जाए, तो अगर मैं कहूं रोहित इज बेटर देन एनी अदर वन, तो रोहित किसी से ही बेहतर है, तो खिलाड़ी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो अब एनी अदर नहीं एनी वन लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो बात यही समझने की है, तो यहां से यहां क्या आंसर करना था, एनी अदर थिंग देन डिसऑनेस्टी, क्योंकि डिसऑनेस्टी भी इसी तरह से कंसिडर हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, सिंपल सा सेंटेंस है, मुश्किल नहीं, आसान भाषा में आप इसे कर सकते हैं। तो 115 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है आपका, जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, प्लीज बताएं। देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वन, तो वन के अकॉर्डिंग ही तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी डिटरमिनर भी तो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तो हिज नहीं, यहां क्या होना चाहिए, वंस, ये होना चाहिए था। अब इस हिसाब से बताओ क्या आंसर आना चाहिए, ये बचा आपका आंसर। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, अगर मैं आपसे कहूं ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, वन पर्सन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, और फिर आपको चॉइस लगानी होती, या हिज आएगा
या वंस आएगा, तो निश्चित तौर पर वंस नहीं आता, क्योंकि अब ये पर्सन जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो पर्सन के अकॉर्डिंग हिज ना कि वंस, क्योंकि वन ही अभी सब्जेक्ट था, तो वन के अकॉर्डिंग वंस, अब पर्सन आ गया तो पर्सन के अकॉर्डिंग हिज या हर, जो भी आपको लगा रहा हूं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मुश्किल है आसानी से होने वाले। No sooner had she heard the news when she fainted. जैसे उसने न्यूज सुनी वो बेहोश हो गई। तो बताओ क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि no sooner अगर आ जाए तो ये कंजक्शन है, इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? देन का इस्तेमाल करते हैं। तो नो सूनर कहां इस्तेमाल हुआ? सेंटेंस की शुरुआत से लेके सेंटेंस के खत्म होने तक। तो फिर दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ तो यहां पर वेन नहीं होना चाहिए था, यहां पर क्या आना चाहिए था? देन। अब देखो आंसर कहीं दिख रहा है, दैट नहीं हो सकता, ये फेंटेड था, सेंटेड नहीं, फेंटेड। ठीक है, देन शी फेंटेड ये हो सकता है, एंड शी फेंटेड बिल्कुल गलत है, इंप्रूवमेंट भी गलत है, तो आंसर क्या होगा? देन शी फेंटेड, और वो बेहोश हो गई। अब देन ही क्यों लगा? क्योंकि दो बातों का कंपैरिजन आ गया, आ गया कि नहीं, इसलिए क्या लगा देंगे? देन लगा देंगे। आगे अगला क्वेश्चन, एट द वेरी मोमेंट दे वर शोइंग साइंस ऑफ ग्रोइंग नर्वसनेस। ठीक है, उसी समय कैसे उन मोमेंट्स पर उन्हें कैसा लग रहा था? नर्वसनेस फील हो रही थी, तो इस वजह से आंसर क्या होगा आप बताइए जरा। At the very moment they were showing signs of growing nervousness. उसी समय वो कैसे साइन शो कर रहे थे? नर्वसनेस के साइंस, साइन जो है वो कैसे शो हो रहा था? नर्वसनेस उनसे शो हो रही थी। तो इस सेंटेंस में isn't it यूज होना चाहिए या कुछ और यूज होना चाहिए? देखो ये isn't it जो आप देख रहे हो ना, आप ये isn't it जो है एक्चुअली में इसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्वेश्चन टैग। बात क्लियर? ये क्वेश्चन टैग कहलाता है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है? अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अब यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाने की कोशिश करिए, और क्वेश्चन टैग में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, अगर नॉट की जरूरत है तो वो, और सब्जेक्ट होता है, बस इतना ही रखना है। सब्जेक्ट का मतलब कोई नाउन या सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब अगर नॉट की जरूरत है तो वो, और फिर कोई प्रोनाउन, और ये भी शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाएंगे नॉट वगैरह। ठीक, अब देखो यहां कहीं वाज नॉट नहीं है, वर नॉट नहीं है, तो इसलिए हम इज नॉट नहीं है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म ही रहेगी हमेशा। अब देखो सेंटेंस पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए? नेगेटिव, सारे नेगेटिव। अब देखिए कितनों की बात हो रही थी, यहां पे दे लिखा हुआ, कई सारे लोगों की बात चल रही है यहां पे। अब देखो यहां पर क्या होगा? इट नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर क्या बनेगा? वरंट दे। बात क्लियर हुई? बहुत सिंपल सी बात थी, मुश्किल नहीं थी। आगे, One hour in the week was set aside by him for the reception of whomsoever chose to visit him. उसने एक घंटा बिल्कुल अलग रखा, किस बात के लिए? ये कोई उससे मिलने आना चाहता है तो मिल सकता है, कब? वीक में एक बार। ठीक है, ऐसा। तो अब बताओ इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? अभी मैंने आपको बताया था सिंपल सी बात कि चोज वर्ब दी गई है तो इसके अपने पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो whom तो हो नहीं सकता। ठीक है, और who chose to visit him, जो से choice करता मिलने के लिए, यहां बात हो रही कोई भी, who तब होता है specified होता, I know the girl who can do this, तो मैं उस लड़की को जानता हूं ये कर सकता हूं। who हमेशा decide करता है किसको? जिसको आप जानते, सब जानते उसके बारे में। यहां पे तो कह रहे जो भी आना चाहता है, तो आंसर who भी नहीं होगा, आंसर क्या बनेगा? whosoever। आंसर क्या हो जाएगा? whosoever। बात आपको जरूर समझ में आई होगी बेटा। आगे बढ़े अपनी अगली बात पर, क्वेश्चन सिंपल था, आगे चलते अपनी बात पर। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करें, बाय वे टू इंट्रोड्यूस ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क्स।
ठीक है, ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क्स, बताइए आंसर क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बस आप उन्हें देख लें कि क्या आंसर बन सकता है तो आप उनको कर पाएंगे। तो बच्चों जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, प्लीज टेल मी द आंसर। चलिए शुरू करें। बाय वे टू इंट्रोड्यूस ही मेड सम पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, रेलेवेंट, संबंधित, संबंधित। क्या बनेगा, रेलेवेंट। रेलेवेंट ठीक। अब बताओ टू बाय वे टू इंट्रोड्यूस तो सेंस नहीं बन रहा, बाय वे के बाद हम तो वर्ब जेरेंड फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में लेना चाहिए। बाय वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, तो इंट्रोड्यूसिंग किसे, ऑब्जेक्ट भी चाहिए इसके आगे। तो जब भी इंट्रोड्यूसिंग इसको लिखोगे ना तो इसको अपने आगे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, तो वर्ब भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक है, ये टू इंट्रोड्यूस तो वैसे गलत था, तो बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के दौरान या इंट्रोडक्शन के माध्यम से उसने कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स या रिलेवेंट रिमार्क्स कर दिए, तो आंसर क्या होगा, इंट्रोडक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे देखिए। स्लीपिंग रेस्टिंग एंड फ्लूइड्स आर द बेस्ट वे टू केयर फॉर अ कोल्ड, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, देखते चलते हैं क्या हो सकता है। एंड दैट ड्रिंकिंग फ्लूइड्स, तो कुछ खास ड्रिंकिंग फ्लूइड्स के वही पीने हैं, ऐसा थोड़ी कहा। विच ड्रैंक, सारी वर्ब आईएनजी फॉर्म में चल रही, तो ड्रैंक का कोई सेंस ही नहीं बन सकता, इसलिए कहा गया एंड ड्रिंकिंग फ्लूइड्स। स्लीपिंग रेस्टिंग एंड ड्रिंकिंग फ्लूइड्स आर द बेस्ट वे टू केयर फॉर कोल्ड, यही बात याद रखनी है किसमें, कोरोना में भी आराम आराम करना है। हालांकि बेटा अब मैं आपको सच्चाई बताऊं ना, कोरोना बहुत बड़ी बीमारी अब कंसीडर नहीं हो रही है इंडिया में खासतौर पर, भारत में कोई रुक रहा है घर के अंदर, सब घूम रहे फिर रहे बाहर। ठीक है, मैं दिल्ली में देखता हूँ सड़क पर गोलगप्पे खा रहे हैं, वो गिर गया गोलगप्पे उठा के खा लिया वो भी उनने, ऐसे लोग भी देख रहा हूँ मैं, है ना। मैं बात करूँ गरीब बच्चों की, जिनके आगे अगर गोलगप्पा भी गिर जाता है बेचारे उसको खा लेते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और भगवान उनका मालिक होता है, भगवान की दया से उनको कोरोना वोरोना नहीं होता। एक पर्सन ने मुझे बोला कोरोना जो है ना वो सर अमीरों की बीमारी हो गई है, अगर अमीर बीमार होता तो 1,500,000 रुपये उसके खर्च हो जा रहे हैं, अगर गरीब आदमी को कोरोना हो गया उसने ध्यान नहीं दिया ठीक हो गया, नहीं हुआ तो चलो जो होगा देखा जाएगा। मैं आपको बात बता रहा हूँ जहांगीरपुरी की, जहांगीरपुरी में पूरा जो इलाका है वो स्लम एरिया है, वहाँ पर लाइन से कोरोना के पेशेंट्स निकले, लाइन से बहुत सारे, कुछ ने अपना टेस्ट कराया कुछ ने नहीं कराया, किसका गवर्नमेंट ने जबरदस्ती कराया किसी का नहीं कराया। तो जो लोग भी कोरोना जैसे लक्षणों से पीड़ित थे उन्होंने कोई इलाज नहीं करा, सिर्फ उन्होंने वही बुखार की दवाइयाँ खा ली, जैसे डोलो वोलो होती ना वो खा ली और वो ठीक हो गए। अभी एडमिट हो गए वो हॉस्पिटल्स में, 1,500,000 रुपए लग गए उस, जैसे मैं अमिताभ बच्चन को ही ले लूं तो बेटा ऊपर वाला गरीब आदमी का होता है, तो गरीब आदमी के लिए हम क्या बोले, वो सब झेल जाता है, इसलिए भारत में अब लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो देख रहे होगा घर के बाहर लोग सब्जियां बेच रहे हैं, ये हो रहा है, सब कुछ हो ही रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सडनली अ पिजन फॉल्टर्ड आउट ऑफ द रबल, आपको बताने सारे वर्ड जबरदस्त है, किसका क्या मीनिंग होगा ये आपको अब बताना है मुझे, किसका क्या मीनिंग होगा, अच्छे वर्ड्स हैं जल्दी से मुझे बताइए। चलिए बताइए, रबल समझते हो जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो सब होते हैं उसमें रबल। ठीक है, तो रबल वगैरह सिंपल वर्ड है। चलो शुरू करें। अच्छा वर्ड अपने पास है यहां पर 3-4 वर्ड लगे हुए हैं, फ्लटर्ड है फ्लस्टर्ड है और एक और अपने पास लगा हुआ है कौन सा, फॉल्टर्ड है, ये सारे वर्ड लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं इनके बारे में, क्या इनका मतलब होता है। चलो देखते हैं, फ्लिटर्ड का मतलब होता है टू ब्रेक इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, फ्रेगमेंट्स। ठीक है, फ्लस्टर का मतलब होता है अपसेट होना, परेशान हो जाना, अपसेट। और
फ्लटर्ड का मतलब बाद में करेंगे, फॉल्टर्ड का मतलब क्या होता है? टू वॉक अनस्टेडली, टू वॉक अनस्टेडली, ठीक है, ठीक। फ्लटर्ड इसका आंसर, इसका मतलब हिंदी में लिख लीजिए फड़फड़ाना, पंखों वगैरह का फड़फड़ाना होता है, वो फ्लटर्ड कहलाता है। बात क्लियर हुई? तो बच्चों ध्यान से देख लीजिए सभी वर्ड्स, अब आपको आंसर मिल ही गया होगा मेरे ख्याल से, फ्लटर्ड होगा क्या, फ्लस्टर्ड होगा कि फ्लेटर होगा, ये आपको क्लियर हो गए होंगे, हो गए कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो तो आंसर बन गया होगा फ्लटर्ड, पक्का आंसर बन गया होगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई डू नॉट लाइक द दिस काइंड ऑफ नॉवेल, सब सुन लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस दैट या दीज या दोज के साथ काइंड, ठीक है, और काइंड है एक और वर्ड होता है, काइंड है और टाइप, ये दिए हो, ठीक है। तो कभी भी ये दीज और दोज का इस्तेमाल होगा, दिस या दैट का ही इस्तेमाल होगा, और इनको कभी हम एस लगाकर प्लूरल नहीं करेंगे। तो देख लीजिए यहां पर, तो सबसे पहले दोज काइंड हट गया, ऊपर दीज काइंड भी हट गया, अब दिस काइंड, दिस जब एक है तो काइंड से नहीं हो सकता, तो ये भी हट गया, आंसर क्या बना, दिस काइंड, क्योंकि इस प्रकार के कई लोग होते, प्रकार एक ही होता, लोग कई प्रकार के होते हैं, लोग कई तरह के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आई होप आई एम गोइंग टू गेट फीवर सून, मुझे ऐसी उम्मीद है, अच्छी उम्मीद हो रही है, तो अब बताओ आंसर, आई होप तो हो ही नहीं सकता आंसर, ठीक है। अब इनमें से तीन में से कोई है, आई डाउट, आई फियर, आई फील अफ्रेड, बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, डर नहीं है यहाँ पे बच्चों, बच्चा सामने वाला व्यक्ति डर में नहीं है, बल्कि है कि उसको ऐसा हो सकता है, इस डाउट में है वो, तो आंसर क्या होगा, आई डाउट इफ आई एम गोइंग टू गेट फीवर, ये आंसर होगा, सिंपल है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, When we came out of the cinema, it was falling with rain. बहुत तेज बरसात हो रही थी, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी, तो क्या होना चाहिए, ड्रॉपिंग तो है नहीं, कोई छिड़काव कर रहा था, सो हो नहीं सकता, डिसेंडिंग का होता, नीचे उतरते क्रम में, नीचे उतरते हुए, उतरना भी नहीं हो रहा था, ना ड्रॉपिंग हो रही थी, ठीक है। फॉलिंग का मतलब गिरना नहीं है, बल्कि पोरिंग आंसर करेंगे, पोरिंग विथ रेन, बहुत मूसलाधार बारिश के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला सेंटेंस, ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, मेरे ख्याल से यही लास्ट होगा। राहुल हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम हियर, राहुल 3 साल से दिल्ली में रह रहा है जब उसके पेरेंट्स उसके पास रहने आए, ठीक है। तो सेंटेंस में आप बताइए, राहुल हैज लिव्ड चेंज होगा या वॉज लिविंग होगा, हैज बीन लिविंग होगा या हैड बीन लिविंग होगा, ये आप डिसाइड करके मुझे बताइए। राहुल हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years, राहुल दिल्ली में 3 साल से रहता है, व्हेन हिज पेरेंट्स केम हियर, बताओ भैया क्या आंसर आना चाहिए। सेंटेंस पास्ट का है, गौर से देखो, सेंटेंस पास्ट का है, इसलिए हैज बीन तो चला ही गया और हैज लिव्ड भी चला गया, अब इन दोनों में से एक बन रहा था, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम दिया है, वॉज लिविंग भी नहीं आएगा, क्या आंसर आएगा, हैड बीन लिविंग, राहुल 3 साल से दिल्ली में रह रहा था जब उसके पेरेंट्स उससे मिलने आए। तो बच्चों बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कॉमन सेंस पर, सब बातों पर, तो हमसे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है, आसानी से होने वाली चीज़ है। चलिए लगभग हमने 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है, आगे जाके हम इन्हीं क्वेश्चंस पर अपना और आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जैसे हमने पिछली क्लास में 1 से 25 तक करे थे, ये बीच में कुछ क्वेश्चंस कर लिए, हम अगली क्लास जब शुरू करेंगे तो 25 से 26 सेंटेंस जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।